घर हो, रेस्टोरेंट, सोसाइटी, कॉलोनी, सिनेमा हॉल, हॉल, मॉल, जो मर्जी जगह हो, हर जगह पे आपको सीसीटीवी कैमरा मिलेगा। और आज का जो माहौल है, जो आज इतना क्राइम बढ़ चुका है, उसको देखते हुए सीसीटीवी कैमरा हमारी लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट भी बन चुका है। ये ज़रूरी भी है ताकि क्राइम को किसी हद तक कंट्रोल रखा जा सके, और अगर क्राइम होता भी है तो क्रिमिनल को पकड़ने में अच्छा एक प्रूफ मिल सके और इन्वेस्टिगेशन में आसानी हो, हेल्प हो। तो कोर्ट केसेस में एज एविडेंस बहुत अच्छा प्रूफ होता है, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसकी बहुत हेल्प मिलती है सीसीटीवी फुटेज की, और क्राइम को भी बहुत हद तक कंट्रोल करता है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक डर होता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। अब बहुत लोग हैं जो परवाह भी नहीं करते सीसीटीवी कैमरा लगाए या नहीं लगाए, ऐसे हैं फेस ढक के आ जाएंगे जिनके जिनका क्रिमिनल माइंड है। तो ऐसे ही हम अगर जो लोग सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, अब अगर आप अपने घर पे, दुकान पे, कहीं भी सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, तो आप उसको इसलिए लगाते हैं ताकि आप अपनी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसकी निगरानी कर सके, उसकी सेफ्टी रख सके, और अगर कोई क्राइम होता है तो आपके पास बहुत अच्छी फुटेज है उसकी एज ए एविडेंस। लेकिन क्या वही सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल आप अपने किसी पड़ोसी की निगरानी के लिए भी कर सकते हैं? क्या आपको ये राइट मिल जाता है कि मेरे घर पे सीसीटीवी कैमरा है, मेरा सीसीटीवी कैमरा है, मैं जहाँ तक चाहूँ उसकी रेंज लगा के देख सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर कोई इस माइंड का है, ऐसा उसका माइंड है, क्रिमिनल माइंड है, और वो इस तरह की कोई हरकत करता है कि वो अपने सीसीटीवी कैमरे से ये भी देखने की कोशिश करे कि जो पड़ोस के घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, या फिर अगर पड़ोस में लड़कियां रहती है या फिर रेंटेड हाउस लिया हुआ है लड़कियों ने, ग्रुप है लड़कियों का, या उनकी बच्चियां हैं, या घर में कोई भी औरत है और कोई इस माइंड से सीसीटीवी कैमरे को उसका इस्तेमाल करता है कि उस घर में भी मैं ताक झांक कर पाऊँ या देख पाऊँ कि कौन आ रहा है, जा रहा है, तो ये पूरी तरह से जो राइट टू प्राइवेसी है हमारा, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसको वायलेट करता है। तो इस तरीके से अगर कोई सीसीटीवी का इस्तेमाल किसी दूसरे के घर की निगरानी के लिए कर रहा है, उसमें ताक झांक करने के लिए कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो इंसान आपकी या आप कर रहे हैं तो आप उसकी राइट टू प्राइवेसी, जो उसका फंडामेंटल राइट है, उसको वायलेट कर रहे हैं। अब अगर किसी को लगता है कि इस तरीके से जो मेरा फंडामेंटल राइट है वो वायलेट किया जा रहा है, तो ऐसे में वो इंसान क्या करे? क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है और वो ये सोचते हैं भाई क्या कहें, उनका सीसीटीवी कैमरा है, उनके घर पे लगा है, हम कंप्लेन करें तो कैसे करें? तो देखिए, ऐसे में अगर कुछ होता है, आपको पता है कि इस तरीके से ये इंसान हमारे घर में ताक झांक कर रहा है, तो आप अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में या फिर SP को, जो भी हायर ऑफिसर्स हैं, या फिर कमिश्नर को आप रिटन कंप्लेंट दे सकते हैं। और इसके साथ ही अगर मान लीजिए लड़कियां हैं या महिला है और कोई इस हद तक ऐसा माइंड रखता है कि वो उन वहाँ के जो बेडरूम है या फिर जो बाथरूम है वहाँ तक की अपने सीसीटीवी को के थ्रू कैप्चर करने की कोशिश करता है इमेज, तो वो है वॉयरिज्म। वॉयरिज्म मतलब ताक झांक। अब ये एक क्राइम है IPC के अंडर सेक्शन 354C में। अब 354C ये कहता है कि अगर कोई किसी महिला या लड़की की किसी प्राइवेट जगह को, प्राइवेट पार्ट को, या प्राइवेट उसका एरिया है, यहाँ तक कि अगर उसके जो कपड़े हैं उनकी भी फोटोज़ कैप्चर करता है, उसकी इमेज लेता है, वीडियो बनाता है, तो ये एक क्राइम है जिसे अंडर सेक्शन 354C में दिया गया है IPC। उसमें अगर फर्स्ट टाइम कोई ऐसा काम करता है और उसके खिलाफ जो सबूत पाए जाते हैं कि उसने ऐसा किया है, तो ऑब्वियसली किया है तो वो रिकॉर्ड भी होगा ना, इमेज भी होगी, फुटेज भी होगी, तो उसके खिलाफ 1 से लेके 3 साल तक की सज़ा है और फाइन भी है। और अगर वो सेकंड टाइम भी ऐसा कुछ करते हुए पकड़ा जाता है तो 3 से लेके 7 साल तक की सज़ा भी है। तो इसलिए जो सीसीटीवी कैमरे का इस्तेमाल करते हैं, वो करते हुए ध्यान रखें कि आपका राइट सिर्फ इतना है कि आप अपनी जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है आप उसकी निगरानी कर सकते हैं।
आप जो पब्लिक प्लेस है, गली हो गई, रोड हो गया, आप उसकी उस वहाँ तक भी देख सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक प्लेस है, लेकिन आप किसी के घर की तरफ ऐसी कोई निगरानी नहीं कर सकते, या फिर कोई और आपके घर की अपने सीसीटीवी के थ्रू ऐसे निगरानी नहीं रख सकता। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये टोटली जो आपका फंडामेंटल है, जो आपका राइट टू प्राइवेसी है, उसको वायलेट करता है।